और फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माउंटेनियरिंग के इस सेशन में काफी हिल आपका फिर से स्वागत करता है। आज हम जो नॉट सीखने वाले हैं उसका नाम है गाइडमैन। और गाइडमैन के लिए जिस तरह से हमने पिछली क्लास में बताया था कि एंडमैन में आपको एक अपनी कमर के घेरे के बराबर का एक जो छोड़ना होता है और एक फिट का एक टुकड़ा और छोड़ना होता है, उसके बाद एक नॉट इसमें लगाई जाती है। तो सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे भी करना होता है। गाइडमैन हम बना रहे हैं, ये सब करने के बाद अब इसको कमर पे ले लें। और इस बार हम इस नॉट को इसके साथ बाहर को लेंगे, बाहर को इस तरह से। जब हमने एंडमैन बनाया था तो इसको अंदर को लिया था, इस तरह से अंदर को लिया था एंडमैन। लेकिन अभी हम बाहर को करेंगे इसको, इस नोट के। और यहाँ पर आपको एक सेफ्टी नोट देना होता है, इस तरह से आपको एक सेफ्टी नोट देना है। और एक और सेफ्टी नोट दे दें क्योंकि ये रोप थोड़ा लंबी बच रही है। ये है गाइडमैन। गाइडमैन क्लाइंबर्स की टीम का पहला बंदा जो लीडर है, जो आगे से लीड कर रहा है, उस पर ये लगा होता है। और ये इस तरह से साइड पर रहेगा, यहाँ पे रहेगा साइड में। कई बार पीछे भी इसको रखते हैं, कई लोग कई क्लाइंबर्स को हम रखकर के इसको पीछे भी रखते हैं। और कई बार वॉक करते करते ये साइड से पीछे अपने आप भी आ जाता है। तो इसलिए कोई ऐसा रूल नहीं है कि इसको यहीं पे रखो या ऐसे ही रखो, ठीक है। वो तो जब आप फील्ड पे निकलते हैं, जब एक्चुअल प्रैक्टिस में आप रोप अप होकर निकलेंगे तो आपको खुद प्रैक्टिकल आइडिया आएगा कि वो क्या होता है, कैसे होता है। और यहाँ पे रखना थोड़ा टफ इसलिए होता है कि आप आगे वॉक कर रहे हैं और बाकी क्लाइंबर पीछे हैं, तो ये आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा होता है। इसलिए यहाँ पे एकदम फ्रंट पे रखना थोड़ा टफ है। घूम के इसको फिर साइड पे ही आना होता है। इससे बेहतर है कि हम इसको साइड पे रख लें या पीछे ही रख लें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था गाइडमैन।